हेलो नमस्ते अंकल जी, आपका स्वागत है रॉयल ओट्स चैनल पर। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आपका नाम और आपके फार्म का नाम बताइए। मेरा रंजीत पोदार नाम है और अपने फार्म का नाम आरपी स्टड फार्म है। ये अपने जोधपुर से रजिस्टर्ड है, फार्म वगैरह सारे। अच्छा, पूरा रजिस्टर्ड है फार्म। अपनी लोकेशन क्या पड़ जाती है? अपनी लोकेशन है ये बड़ी में है, उदयपुर के पास ही गाँव है, 5-7 किलोमीटर दूर है उदयपुर से, पहुँचा बड़ी में। अपने पास अभी टोटल कितना अश्व है? अभी अपने पास छोटे बड़े मिला के 12 जानवर है। अच्छा, 12। 6 बच्चे हैं और 7 बड़े, 13 हो गए। 13 जानवर है। 2 ऑस्ट्रेलियन है मेरे पास और 5 घोड़ियाँ हैं। अच्छा। उन्हीं के सबके एक एक दो दो बच्चे आए हैं, किसी के एक आया, किसी के दूसरा आया, सब बाकी घोड़ियाँ भी अभी सुबह ही है सब करीब करीब। एक अभी घोड़ी और 5-7 दिन में, 4-5 दिन में देने वाली था। फिर 2 घोड़ियाँ शायद सितंबर के आसपास और देगी, 5-6 महीने की सुपर है। तो इस तरह से चल रहा है। अच्छा, आपने स्टेट फार्म का नाम आरपी स्टेट फार्म रखा, इसके पीछे कोई रीजन? आरपी के पीछे बच्चों ने बोल दिया आपके नाम भी रखो आरपी कर लो। ठीक है, अच्छा आपके नाम के ऊपर ही है। नाम शॉर्ट फॉर्म कर दिया आरपी स्टेट फार्म। और घोड़े लाइन में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप इस फील्ड में आए? बस वैसे तो बचपन से शौक था घोड़ों का, तो ऐसा बचपन 13-14 साल का था तब भी मैं वो उदयपुर में पठान साहब बहुत फेमस है घोड़े वाले, उनके यहाँ जाता था। उनके घोड़े वगैरह किराए पे लेके राइड करता था। अच्छा, रेंट पे लेके राइड करता था? हाँ, बचपन में शायद 14-15 साल का रहा हूँ तब। तो शौक तो था ही, लेकिन फिर बीच में छूट गया, अपने आप काम धाम में लग जाते हैं। 3-4 साल से लॉकडाउन में तो काफी नए नए स्टेट फार्म बहुत आ गए, हमारा भी उतनी उसी समय में हमने भी थोड़ा जो जो उसमें शुरू कर दिया, चलो यार ये काम करते हैं। बेटी, आपने आपका फर्स्ट हॉर्स लॉकडाउन में परचेस किया? हाँ, फर्स्ट मैंने लॉकडाउन में परचेस किया था, बासनी से ही लिया था मैंने, अभिमन्यु मन्ना से। अच्छा, कोल्ट 6-7 महीने का। आपने फर्स्ट स्टार्टिंग कोल्ट से करी? कोल्ट से करी, छोटा बच्चा लिया, मतलब 6-7 महीने का था, ये खड़ा पीछे, अभी तो बड़ा हो गया ये केशव, कैसे तो ये 62+ चला गया, 65.5 के करीब है, 42-43 महीने का हो गया ये। और इसके जस्ट 1-2 महीने बाद फिर मैंने ये घोड़ा है माधव करके अपने पास है। आपका मेन स्टेलियन में फार्म का ये अभी मेन यही है, इसके बच्चे हैं सब आए हुए हैं। ये भी मैंने उदयपुर के पड़ोस में ही है, अपने रवीन जी कोठारी साहब है उनसे लिया था। ये मोरिया का है, मतलब तूफान का पोता है, तूफान का पोता मोरिया का बच्चा है। तो क्या बात पे लिया था कि उन्होंने जो बोला अपन ने माना, तो बाद में कई लोग बोलते हैं भाई अब वो मोरिया का डीएनए उस समय था नहीं, तो मैंने तो इसका डीएनए उस समय करा लिया था 2-2.5 साल पहले। अपने को तो अपने इसके ब्रीडिंग करनी, तो इसके बच्चों का नाम तो होना चाहिए भाई, हाँ ये माधव के हैं। मोरिया का उस समय डीएनए था ही नहीं, बाद में मोरिया का भी हो गया डीएनए, तो अपन ने मैच करवा लिया, तो मैच भी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैच हो गया, मोरिया का कंफर्म हो गया, मोरिया का कंफर्म। यही है कि भाई अच्छा आदमी से लेंगे जानवर, तो थोड़ा सा ये रहता है कि भाई रिलायबल जगह से। वो उनसे मैंने 2-3 घोड़े और भी ली कोठारी साहब से, बाद में 2 घोड़े भी ली उनसे मैंने, खड़ी उधर दिखाएंगे भी आपको। तो मैंने उसमें से बेच दिए। अपन एज ए बिगनर के लिए बात करें, तो आप एज ए बिगनर इस फील्ड में आए थे, तो आपको क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा था? इस मामले में तो समझो मैं लकी रहा हूँ, मेरे को कोई ज्यादा परेशानी नहीं आई, क्योंकि इधर कोठारी साहब थोड़ा गाइड करने वाले थे, इधर पड़ोस में एक हमारे दिनेश जी जैन साहब भी हैं, उनसे भी आए दिन हम सहायता लेते रहते हैं, कुछ आइडिया कुछ कोई परेशानी होती तो उनसे राय ले लेते हैं, तो सही राय मिली है, मतलब कुल मिला के ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आती, कई नए वालों को बहुत ज्यादा आती है, कई बार कोई फील्ड में हो बहुत दूर हो आसपास में, अगर उनके कोई और दूसरे घोड़े वाले नहीं है पुराने, तो उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अपने इस मामले में अपन लकीर हैं। और अभी आपको घोड़ा लाइन में क्या कमी लगती है आपके हिसाब से, ये घोड़ा लाइन इस कारणवश पीछे चल रही है? बस कमी तो वो डीएनए का ही है, जैसे आज मेरे को थोड़े दिन पहले पता पड़ा था कि अपने यहाँ भारत में है ये कुत्तों की इंडस्ट्री जो है ना, डॉग शोज, वो शायद 100-200 साल पुराना है, वो केसीआई वगैरह है, तो वो उस समय से लोग अपने कुत्तों का डीएनए कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लेकिन घोड़ों में तो ये अभी 10 साल से भी कम समय हुआ है जहाँ तक मैं सोचता हूँ डीएनए वगैरह कराने में। तो जब तक डीएनए नहीं था तब तक तो खूब लूट मची होगी
और फिर भी कम हो गया। अच्छे घोड़ों का नाम ले लेके दूसरे घोड़े के बच्चे बिकते रहे, अननोन घोड़े है, गांव से लोग सस्ता कोई बच्चा लिया है, किसी नामी घोड़ा का बना के बेचते रहे, आलिशान के खूब बने। वो जो कहावत नहीं है, जब तक बिल्कुल जिंदा अकलमंद कमा खाएंगे तब तक तो चला खूब। अब ये थोड़ा डीएनए हो गया तो वो आदमी भी थोड़ा समझदार हो गया है, वो चाहता है भाई चलो डीएनए करा के भेजो, या डीएनए है कि नहीं है, थोड़ा सा ये हो जाता है, चार आदमियों से झूठ नहीं खिलवाना पड़ता आपकी जी, जी। वरना तो क्या है, पहले चार आदमी बोलते हैं हाँ ये उनका है, मैंने देखा हुआ है, ये वो है, तो बेचारा नया आदमी तो उनकी बातों में आना ही आना है। अब वो चीज नहीं है, अवेयरनेस लोगों में थोड़ा सा अगर समझ जाएंगे पेपर से देख के, तो वो चार आदमी से खिलवाने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे यहाँ अपने घोड़े का डीएनए हो चुका है, दो तीन घोड़े का डीएनए हो चुके हैं, बच्चे यही हैं, तो अपन दिखा सकते हैं भाई ये इसके माँ खड़ी है, इसके बाप खड़े हैं, आप ये पेपर से डीएनए करा लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो लोग क्या एक घोड़ा दो घोड़ा कहीं से लिया है इधर उधर से, अब फिर बताएंगे उसका है, वहाँ से लाया है, वो फलाने रावले से लाया है, वो सर साहब कौन पूछते हैं, ठीक है जो जिनको बोलना अच्छा आता है वो बेच लेते हैं अपने चने वगैरह, वो वाली कहावत है जिसको नहीं बोलना आता तो गेहूं भी रखे रह जाते हैं, जिसको बोलना आता वो अपने चने भी बेच लेते हैं, तो तो वही है हर लाइन में, वही चीज है, जिसको बोलना अच्छा आता वो अपने बेच लेते हैं। अभी इस लाइन में यूथ काफी आ रहा है एज अ बिजनेस पर्पस, तो आपके हिसाब से बिजनेस कैसा है इस मार्केट में, बिजनेस के हिसाब से करना चाहते हो? देखो अब जो लोग बोलते हैं हमने करोड़ों के बेचे घोड़े हैं, हमने 25 लाख का घोड़ा खरीदा, 50 लाख का घोड़ा खरीदा, उसकी देखा देखी लोग बाग आ जाते हैं, बच्चे लोग जो भी यूथ नए बहुत ज्यादा कमाई ऐसा कुछ है नहीं, जैसे वो जो 25 लाख का घोड़ा कोई बोलता है 25 लाख का लाए, वो एक्चुअल में लाया होता 2 लाख का और झूठ बोलते हैं, उसको देखा देखी फिर बोलते हैं बेचेंगे 3 लाख का, बोले कि मैंने 50 लाख का बेच दिया, लाते 8-10 दिन में मैंने बेच दिया, इस तरह की वो जो कहानियां है उसमें जो बोले लोग आ जाते हैं ऐसी बातों में। बाकी ऐसा कुछ इतना ज्यादा इजी नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो एक बिगनर आता है इस लाइन में तो उसके पास कम से कम कितना पैसा होना चाहिए जेब में आपके हिसाब से, इतना तो हो तो ही आए लाइन में? भाई मोटा मोटी एक घोड़े का खर्चा एक साल का 1 लाख रुपए मान के चलो। हाँ जी हाँ जी। और अब वो कितने से शुरू करना चाह रहा है, भाई कोई सोचते मैं घोड़ी ले आऊं, एक दो घोड़ी ले आऊं बाहर से, अच्छे घोड़े से, अच्छे स्टेलिन से कवर करा के उनके बच्चे उनके नाम से बेचेंगे, ऐसा कुछ करेंगे? हाँ जी हाँ जी। कुछ की सोच कैसी होती है, अब अपनी सोच तो ये थी भाई अपने पास मैन पावर की कमी है, तो मैं तो अपने पहले स्टेलिन ले आया शौक से, फिर उसके लिए भाई उसको कवरिंग कराने के लिए घोड़ियां भी चाहिए, तो मैं 6 घोड़ियां खरीद लाया। हाँ जी। तो अपने ही इनहाउस ही सारा रख दिया अपन ने, और घोड़े का डीएनए करा लिया, अब अपने को ये था कि भाई आगे इसका मैच होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैच हो गया वो तो अच्छी बात है। तो अब ये लाइन का भी हो गया, मौर्य का है, मौर्य तूफान का है, तो लाइन के ही घोड़े हैं, लाइन की घोड़ियां मेरे पास, एक हैग्रीव की घोड़ी भी है मेरे पास, एक दो दूसरी घोड़ियां भी है जो मतलब अच्छी लाइन की घोड़े से भी ज्यादा अच्छी घोड़ियां हैं जो प्रोड्यूस कर रही है बच्चे, घोड़े के एक पांव है, घोड़ी के एक पांव है, और बच्ची दे रही है पच कल्याण बच्ची, तो ये सब चीजें आगे से आ रहा है, अपने कुछ नहीं किया, बोलते हमने ये किया हमने वो किया, तो मैं मेरे यहाँ से एक आधी घोड़ी भेज देता हूँ, मेरे को एक पच कल्याण बच्ची निकलवा के दे दो, इससे 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए ले लो फीस, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, सब जो ऊपर वाला करता है भगवान के आशीर्वाद से होना है। हाँ जी हाँ जी। और फिर वो नाम अपना करते हैं, तब हमने मैच करवाया, अभी घोड़ी में बहुत चौड़े ब्लेज की है, और उसको भी मैंने मेरे माधव से भी चौड़ा ब्लेज मैच करवाया, तो लेकिन उसका ब्लेज बहुत बढ़िया आया, कान भी बहुत बढ़िया कुंडी वाले आए, तो ये सब गॉड गिफ्ट ही है। मतलब मार्किंग का कोई फर्क पड़ता है मार्किंग से? मार्किंग मैच करके अपन घोड़ा मार्किंग से लोग ब्रीडर तो यही बोलते हैं भाई, पर मैंने तो ऐसे भी देखे हुए दोनों घोड़ी के और घोड़े के दोनों के ब्लेज था पर टिक्का आया बच्चे है। बच्चे के मैंने ऐसे रिजल्ट भी देखे हुए, वो बड़े बड़े ब्रीडर भी ऐसे ही करते हैं, घोड़ा ब्रीडर ब्लेज वाला क्या आपके घोड़ी के पट्टा नहीं है तो बड़े पट्टे वाला घोड़ा छुड़वा दो, ब्लेज वाली है लेकिन उनके छोटा टिक्के वाला बच्चा आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो ये कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता कि ब्लेज से ब्लेज आएगा या स्टार वाला ब्लेज नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा जो आता है वो 3-4 जनरेशन दोनों तरफ से, माँ बाप दोनों तरफ से, जो पेडिग्री डिपेंड करता है, उसकी माँ कैसी थी या उसका नाना कैसा था या उसका दादा कैसा था, किस पे चला जाए कुछ कह नहीं सकते, वो तो मतलब भगवान का नाम लेके कर लो जो करना है, जो होगा जो भगवान करे अच्छा ही हो, बस वो वाली बात है, बस ये लाइनेज पता होनी चाहिए उसके। हाँ बस ये कि थोड़ा सा एक लाइन का है भाई, अच्छा घोड़ा है, अच्छे लाइन का, अच्छी पेडिग्री का है, पीछे
चार जनरेशन उसकी बढ़िया ब्लड से है, तो ये है। और ये भी अभी 20-30 सालों में चला है, जब लाइन वगैरह भी देखा जाए पहले कहाँ होते थे, पहले तो उस गांव के नाम से घोड़े चलते थे। और ये ब्रीडिंग का काम कौन करते थे पहले, वो मिराजी लोग करते थे, गांव गांव में अपने घोड़े लेके घूम रहे हैं। जैसे आज भी साहब मफा मिराजी वाला घोड़ा है फेमस है, उसी घोड़े के बच्चे कई ठिकानों में होंगे, लेकिन वो नाम ठिकानों का चल रहा है, वो मिराजी का नाम नहीं है घोड़े का। तो वैसे वो और भी है भीनमाल वगैरह में घोड़े हैं जो बड़ा फेमस घोड़े हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे दे रहे हैं, उनके बच्चे बेचारा वो तो 2-5 हजार रुपए लेके घर घर जाके ब्रीडिंग कराने चला जाता है। अभी मैंने देखा था 3-4 दिन पहले एक वीडियो में, तो बोले थे साहब जहाँ पे भी हो जिसका किराया दो मैं ले जाके ब्रीडिंग करा लेते हैं। घोड़े में क्वालिटी है, अब घोड़ा किसका है उससे कोई मतलब नहीं है। अब घोड़ा कहीं बड़े सिटी पैलेस में बांध दिया तो पैलेस का घोड़ा हो गया, तो पैलेस में तो कभी घोड़े हुए ही नहीं है, वहां पे भी मटलाइन के घोड़े हैं, रामपुरा मटलाइन से आए हुए हैं, तो फिर नाम जगह के चल जाता है थोड़ा टाइम पर। तो आज से 30 साल पुराने अगर आप चले जाओ तो सब मठ के नाम से चलते थे घोड़े, ये रामपुरा मटलाइन का है, सेवड़िया मटलाइन का घोड़ा है, वहां से कवर कराई हमने, वहां से कवर कराई, वो चल रहे सब। अब वो नाम वाम आके अब पर्टिकुलर छोटी छोटी जगह में नाम आ गए, क्या भी साहब वो फलाने वहां से निकला हुआ घोड़ा, तो लाइनेज भी काफी हो गई है डिफरेंट उन्होंने। हाँ उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने अपना नाम चलाया है, बस वो वाली बात है। और अपन बिगनर के लिए बात करें तो उसको घोड़ा कहाँ से खरीदना चाहिए, उसको काफी कंफ्यूजन रहता है कि मैं मेले से खरीदूं या फिर फार्म से खरीदूं। एज कंपेयर अपन प्राइस के हिसाब से करें तो उसको मेले में सस्ता मिल जाता है थोड़ा फार्म से, बराबर। हाँ तो उसको कहाँ से खरीदना चाहिए? हाँ, लेकिन मेले में यह है कि देखो मेले में मेरे पास भी एक दो घोड़े घोड़ी है जो मेरे हिसाब से बेचना चाह रहा हूँ बच्चे वगैरह, तो लोग मेरे को ये राय देते यार मेले में जाके बेचा हो और आप जाके दूर खड़े रह जाना, आप तो किसी नए गांव वाले को बिठा देना वहाँ पे तो वो अपने नाम से बेच देगा। तो मतलब वो कहानी है मेलों में, तो आप कोई ठिकाने वाले तो आते नहीं है, बढ़िया घोड़े कोई आते नहीं लाइन के वहाँ बिकने के लिए, और आते हैं तो वो महंगे बिकते हैं। और जो सस्ते घोड़े आ रहे हैं उसका मतलब वही है कि वो टाइम पास घोड़े हैं, जिसको अपना गले में मरा हुआ सांप दूसरे के गले में डालना वो ले जाके मेले में बेच आते हैं। साहब अब मेरे यहाँ तो गले में मेरा पड़ा हुआ साहब ही है, तो यहाँ तो मेरा नहीं बिक रहा है, मैं जाता हूँ साहब वो मेला वहाँ लग रहा है, वहाँ जाके अपन बेचे आएंगे, अपन तो दूर बैठे रहेंगे, किसी गांव वाले को बिठा देंगे अपने, तू बेच दे, तू बोल देना मैं फलाने नागौर से आया हूँ, कहीं से आया हूँ, अपने नाम लेके वो वही बेचेगा ताकि कोई घोड़ा खराब निकले तो आपको कोई नहीं पकड़ने वाला है कि साहब ये मेरे को इसने ठग लिया। मेलों में तो मेले में आप किसी का अगर आपको अच्छी जगह से लेना तो थोड़ा घूम के लो, थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन कम से कम किसी पर्टिकुलर आदमी से ले रहे हैं आपको ये तो पता है भाई इनसे उसकी रेपुटेशन पे भी सवाल होता है कि भाई वो आदमी झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, उसको थोड़ा आप जज कर लो, लग रहा है आदमी सच्चा है तो आप उससे लो, फिर बोली थोड़ा महंगा होगा कोई बात नहीं, अच्छे आदमी से ले रहे हैं, ये वाली बात। और ये वीडियो देख के लोगों को नए लोगों को काफी शौक लग रहा है, तो उनको नॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए फार्म खोलने से पहले? नॉलेज लेना चाहिए, कम से कम 10-20 जनों से अच्छे अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, फिर उसका निचोड़ निकालना चाहिए कि इन्होंने मेरे को क्या बोला, इन्होंने क्या बोला। हाँ जी, हाँ जी। या मोल भाव भी करो घोड़े का उनसे, तो भाई कितने का घोड़ा है, घोड़ी है भाई 10 लाख की है, 2 लाख की है, 1 लाख की है, ऐसे 4-5-7 जगह आप घूमेंगे फिरेंगे तो आपको अपने आप जज हो जाएगा कि भाई यार उन्होंने मेरे से पैसे कम मांगे थे या ज्यादा मांगे थे या रीजनेबल मांगे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो 10-20 जगह घूम के फिर आप लो और अपनी आंखों से देख के लो, ऐसा नहीं कि लोग कई फोटो देख लेते हैं, फोटो भेज दो वीडियो भेज दो मैं सब समझ जाऊंगा, अब फोटो में क्या पता पड़ेगा कि ये 20,000 का घोड़ा है या 20 लाख का घोड़ा है। आप किसी भी दो घोड़ों को अलग अलग जगह से ले लो, एक को बोले 20 लाख का, एक को बोले 20,000 का, क्या जज करेगा कोई? जब तक आप उस घोड़े की पेडिग्री नहीं बताओगे भाई फलाने घोड़े का है, ये 4 बार विनर रहा है, ये रहा है इसकी माँ वो है इसकी, तो उस नाम से थोड़ी कीमत बढ़ जाती है। बाकी तो अननोन नाम से तो मतलब घोड़ा बहुत अच्छा होगा अननोन होगा तो भी, लेकिन उसके इतने पैसे कोई देता नहीं है, खाली शायर के देते हैं बाप के नाम के। और कहाँ से ठिकाने से आया, कौन से साफ, कौन से बड़े ब्रीडर के यहाँ पैदा हुआ, उससे उसकी कीमत चलती है, किस प्लेस पे बोर्न हुआ उसकी बहुत वैल्यू हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है, ये चीज है। बाकी तो क्या है आप कई जगह छोटी छोटी जगह भी बहुत अच्छे अच्छे घोड़े निकले हैं, तो थोड़ा घूमोगे फिरोगे तो अपने आप आंखों में कुछ ना कुछ बैठ जाता है, कहाँ ये घोड़ा सुंदर है अच्छा है तो आपको लेना चाहिए, उसकी कीमत तो अपने बजट के हिसाब से देख लो भाई। हाँ जी, हाँ जी। कोई क्या मांग रहा है, अपने जो बजट होता है उस हिसाब से आप उसको। ठीक है, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, धन्यवाद। अब सेकंड पार्ट में आपके मैन स्टेलियन का वीडियो कवर करते हैं, मैन स्टेलियन, थैंक यू।